हेलो दोस्तों, टेक्निकल एके में आपका स्वागत है। आज हम 100 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले, जो बीआरओ, डीआरडीओ, सीटीआई, आईटीआई, ये सभी परीक्षाओं में आपको उपयुक्त होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर निम्न में से क्या प्राप्त किया जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति। अगला क्वेश्चन, एक्सटर्नल कम्बशन इंजन का प्रकार नहीं है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, डीजल इंजन। अगला क्वेश्चन, इंटरनल कम्बशन इंजन का प्रकार है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, डीजल इंजन। अगला क्वेश्चन, एसी इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसे कैसा होता है? एसी, एसी मतलब इंटरनल कम्बशन। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़ा। अगला क्वेश्चन, आईसी कब स्टार्ट होता है? आईसी, आईसी मतलब इंटरनल कम्बक्शन। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुरंत। निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेट्रोल हवा का मिश्रण। सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, टीडीसी तथा बीडीसी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, साइकिल। अगला क्वेश्चन, वे सभी इंजन जिसमें ईंधन का दहन मतलब कम्बक्शन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है कहलाता है? आईसी इंजन। अगला क्वेश्चन, पिस्टन की दिशा कंप्रेसर स्ट्रोक में क्या होती है? आपके सही आंसर है ए, ऊपरी ऊपर की तरफ, बी बीडीसी से टीडीसी की तरफ। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है? आपका सही आंसर है डी, गर्म वायु इंजन, गैस इंजन, बी अल्कोहल इंजन, सी पैरोफिक इंजन, ये सब आईसी इंजन है। अगला क्वेश्चन, गैस के फैलने पर पिस्टन की दिशा होती है टीडीसी से बीडीसी की तरफ। ऑप्शन ए। निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? ये चार्ज करने के लिए भी नहीं, सी ताज़ा ईंधन आने व जली हुई गैस को निकालने के लिए। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर ऑप्शन ए, टीडीसी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बाह्य दहन मतलब एक्सटर्नल कम्बक्शन इंजन नहीं है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्कोहल इंजन। अगला क्वेश्चन, समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, वाल्व लीड, समय के बाद वाल्व लग रहता है। अगला क्वेश्चन, आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद है क्योंकि ये ओवरऑल दक्षता अधिक होती है। यह यांत्रिक रूप में सरल होने के कारण ठंडे अवस्थाओं में भी स्टार्ट किया जा सकते हैं। सी, यह अधिक संघन मतलब कॉम्पैक्ट होते हैं। आपका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेस प्रेशर है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 350 से 550 फुट प्रति वर्ग इंच। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 300 सेल्सियस से 350 अंश सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन में कंप्रेसर के बाद कंबशन चैम्बर का ताप निम्न में से कितना होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 600 अंश सेल्सियस से 800 अंश सेल्सियस। अगला क्वेश्चन,
पेट्रोल इंजन में ईंधन इसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए स्पार्क। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन में ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। आपका सही आंसर ऑप्शन सी, इंजन के लिए संपीड़ित अणु वायु के उच्च तापमान में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है? यह ऑप्शन कटे हुए, आपका सही आंसर है ईंधन जलाने में। आपका सही आंसर है ईंधन जलाने में। अगला क्वेश्चन, टू स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया का चक्र पूरा होता है। आपका सही आंसर ऑप्शन बी, पिस्टन के टू स्ट्रोक अथवा क्रैंक की एक परिक्रमा में। अगला क्वेश्चन, इनलेट वाल्व निम्न में से कहाँ पर खुलता है? आपका सही आंसर ऑप्शन सी, TDC पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में प्रयोग किया जाता है? आपका सही आंसर ऑप्शन इनलेट वाल्व। अगला क्वेश्चन, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है कम? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, फोर स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। आपका सही आंसर ऑप्शन ए, पिस्टन के चार स्ट्रोक अथवा क्रैंक की दो परिक्रमा में। अगला क्वेश्चन, किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है? आपका सही आंसर है अंतर्दहन इंजन, मतलब एक्सटर्नल इंजन। अगला क्वेश्चन, किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होते हैं? आपका सही आंसर ऑप्शन बी, बहिर्दहन इंजन। किस इंजन की पावर कम होती है? अंतर्दहन इंजन, मतलब एक्सटर्नल इंजन। अगला क्वेश्चन, किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्दहन इंजन, मतलब इंटरनल इंजन। अगला क्वेश्चन, किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन। अगला क्वेश्चन, किस इंजन की मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन। अगला क्वेश्चन, IC इंजन में चूचक संपीड़ित शक्ति तथा निकासन चार प्रक्रम आवश्यक है। टू स्ट्रोक इंजन में यह प्रक्रम विलोपित रहती है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, चूचन तथा निकास। अगला क्वेश्चन, फोर स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रैंक की दो परिक्रमा में एक बार। अगला क्वेश्चन, टू स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है? आपका सही आंसर ऑप्शन ए, क्रैंक के एक चक्कर में एक बार। पेट्रोल इंजन में संपीड़ित अनुपात सामान्य रखा जाता है 5-10 के बीच, ऑप्शन बी। संपीड़ित अनुपात कुल अगला क्वेश्चन संपीड़ित अनुपात क्वेश्चन बटा खाली आयतन, इसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुल आयतन। अगला क्वेश्चन, पिस्टन के TDC पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को कहते हैं? क्लीयरेंस वॉल्यूम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वॉल्यूम पिस्टन के TDC से BDC के बीच शोषित गैस के वॉल्यूम में बराबर होता है? आपका सही आंसर है
ऑप्शन ए सेट वैल्यू। अगला क्वेश्चन, सिलेंडर का अंदरूनी व्यास कहलाता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी बोर। डीजल इंजन में संपीड़ित अनुपात सामान्य रखा जाता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 से 22 के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है। आपका सही आंसर ऑप्शन डी वायु को साफ अथवा फिल्टर करना, बाकी सब कार्य। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन अनुपात इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपका सही आंसर ऑप्शन बी कार्बोरेटर। अगला क्वेश्चन, TDC से BDC के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रोक। अगला क्वेश्चन, समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना कहलाता है। आपका सही आंसर है लैग, ऑप्शन बी हम पहले खुलता है वो उसे कहते हैं लेट। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो निम्नलिखित में से क्या होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 12:1 से 22:1 तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डीजल इंजन का कंप्रेस प्रेशर मतलब फोर्ड प्रति वर्ग इंच में क्या होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 350 से 550। अगला क्वेश्चन, इंजन का भाग है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, सिलेंडर पिस्टन ये सिलेंडर के भाग है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है। आपका सही आंसर है सी ग्रे कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन, मल्टी सिलेंडर में कितने सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। आपका सही आंसर ऑप्शन सी 1 से अधिक सिलेंडर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके प्रयोग में सिलेंडर हेड बनाया जाता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों, मतलब कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम इन दोनों से। निम्न में से किस दो प्रकार के रिंग पिस्टन पर फिट होते हैं। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी कंप्रेसर रिंग तथा ऑयल रिंग। अगला क्वेश्चन, सुपर चार्जिंग का तात्पर्य है, मतलब ऑप्शन सी इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना। पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी परेशानी से प्रज्वलित होता है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु ईंधन का अनुपात आपूर्ति करना चाहिए। आपका सही आंसर ऑप्शन सी 17:1। निम्न में से किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है। आपका सही आंसर ऑप्शन सी कंप्रेशन द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी ईंधन का बाष्पीकरण करना। निम्न में से कौन पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है। पेट्रोल इंजन से संबंधित ईंधन इंजेक्टर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन डीजल इंजन से संबंधित नहीं है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी कार्बोरेटर। अगला क्वेश्चन, इग्निशन इंजन के बाह्य स्रोत के बिना ईंधन के आग पकड़ने की क्रिया कहलाती है। आपका सही आंसर ऑप्शन बी ऑटो इग्निशन। अगला क्वेश्चन, कार्बोरेशन का कार्य है ईंधन को महीन कोनों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना। अगला क्वेश्चन,
वायु तथा पेट्रोल का सैद्धांतिक उचित मिश्रण होता है। कंट्रास्ट एक। अगला क्वेश्चन, पिस्टन रिंगों में प्रयुक्त होने वाली सबसे ऊपरी रिंग को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर ऑप्शन बी, कंप्रेस रिंग, और इन इंच वाली होती है आयल रिंग। निम्न में से किस धातु का क्रैंकशाफ्ट बना होता है? आपका सही आंसर है आपका फोर्ज स्टील, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग ऑर्डर होता है? आपका सही आंसर ऑप्शन सी, इंजन के कंपन को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्रैंकशाफ्ट व कैमशाफ्ट की गति का अनुपात क्या है? आपका सही आंसर ऑप्शन बी, दोनों से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा में अधिक कंपन होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दाब की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन, वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व, आपका सही आंसर ऑप्शन ई, एक साथ खुलते हैं। अगला क्वेश्चन, आंतरिक दहन इंजन का लाभ निम्न में से नहीं है? आपका सही आंसर होगा इनमें ऑटो स्टार्ट लगा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा में फोर स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिक मूल्य का कारण है इसकी संरचना अधिक जटिल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से इंजन का भाग नहीं है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लच। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन डीजल इंजन के लिए सही है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन की थर्मल दक्षता होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 34%। अगला क्वेश्चन, क्या होता है आईसी इंजन में अवचूषक स्ट्रोक के वक्त? ये पेट्रोल वायु मिश्रण इंजन बेलन के अंदर चूषण किया जाता है, बी वायु मात्रा इंजन के बेलन में चूषण किया जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ये पेट्रोल के लिए और ये डीजल के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गजन पिन का कार्य है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना। अगला क्वेश्चन, बीएचपी का पूरा नाम क्या है? आपका सही आंसर है सी, ब्रेक हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग ऑटोमोबाइल बैटरी में किया जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, पिस्टन में प्रमुख सबसे निचली रिंग को कहते हैं? आपका सही आंसर ऑप्शन ए, तेल रिंग, ऑयल रिंग। अगला क्वेश्चन, किस इंजन की सैद्धांतिक दक्षता सबसे अधिक होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, फोर स्ट्रोक आईसी इंजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आईसी इंजन सिलेंडर का अधिकतम तापमान है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2500 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जगह पर वाल्व ओवरलैप होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, TDC। अगला क्वेश्चन, निम्न में से
स्केवेनिंग में दोनों वाल्व किस अवस्था में होते? आपका सही ऑप्शन ए खुले। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस जगह पर एक्सटर्नल कम्बक्शन इंजन में ईंधन जलता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी कम्बक्शन चैम्बर के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अगला क्वेश्चन, वाल्व टाइमिंग होती है इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व का निश्चित समय पर खुलने की व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाए तब? आपका सही आंसर सी नॉक बहुत अधिक होगा। यदि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाए तो इंजन नहीं चलेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सहायता से टर्बोचार्जर चलाया जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी इंजन के धुएं से। अगला क्वेश्चन, टू स्ट्रोक इंजन में सभी चार क्रियाएं क्रैंकशाफ्ट के चक्कर में पूरी होती है? एक ऑप्शन ए। निम्न में से टर्बोचार्जर का कार्य है ये इंजन की शक्ति को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, वाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार खुलना निम्न में से क्या कहलाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी वाल्व टाइमिंग। अगला क्वेश्चन, स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात कहलाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी बोर स्ट्रोक अनुपात। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन का पिस्टन प्राय इसके द्वारा ठंडा किया जाता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है? आपका सही आंसर डी भाप टरबाइन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सीसी क्या सूचित करता है? आयतन को ऑप्शन ए। अगला, निम्न में से सीसी का मतलब है? ऑप्शन बी सेंटीमीटर घन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस इकाई में इंजन की क्षमता को दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए सीसी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जिस समय में स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग किया जाता है कहलाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए इग्निशन टाइमिंग। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको दूसरा पार्ट देखना है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।